नमस्कार टीवी इंडिया 18 में मैं ज्योति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। आजमगढ़ सराय मीर मिर्जापुर ब्लॉक में हो रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग आजमगढ़ द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ बीके सिंह व खंड विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा जी, मंच संचालक शिरोमणि दुबे व ब्लॉक के समस्त अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें 22 जोड़े सम्मिलित हुए। समीर संगरीना, सुधीर संग, आरती मिट्टू, लाल संग, सोनी, असरजीत संग, रोशनी, रोहित संग, चंद्रकला, राजेश संग, विजय लक्ष्मी, रवि कुमार संग, परमशीला आदि जोड़े सम्मिलित रहे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाज कल्याण के तहत एक जोड़े को 51,000 तक का सहयोग कराया गया है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। मैं शिरोमणि दुबे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मंच संचालक, मैं पालवाडर जनपद महाराजगंज से हूँ और हमारे बीच श्रीमान समाज कल्याण अधिकारी महोदय श्रीमान श्री विजय सिंह जी, खंड विकास अधिकारी महोदया श्रीमती श्री कल्पना जी और बड़ी समाज सेवी श्री मुक्ति सिंह साहब जी उपस्थित हैं आज इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवसर पर। 25 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 27 जोड़े का रजिस्ट्रेशन था, 25 जोड़े उपलब्ध हैं अभी और रास्ते में हैं, काफ़ी ठंडक है, उनका आगमन हो रहा है और टोटल एक जोड़े पे सरकार का 51,000 रुपये का सहायता धंधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 35,000 रुपये RTGS के माध्यम से वधु के खाते में जाता है, 10,000 रुपये में जो वधु का जो वैवाहिक सामग्री है विदाई सामग्री 10,000 रुपये वो 35-45 और 6,000 रुपये उनके टेंट पंडाल और खाने पे एक जोड़े पर 6,000 रुपये का खर्च है, टोटल 51,000 रुपये इस तरह से उनके सहायता प्रदान की जाती है। सर मुख्यमंत्री जो इस काम को करवा रहे हैं उसे आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जमीनी स्तर का हृदय स्पर्शी योजना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बेटियों को हाथ पीले करने के लिए उनके पिता उनके अभिभावक को साहूकार से कर्ज लेने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम की सामग्री का खर्चा और वर वधुओं के सगे संबंधियों को खाने पीने का खर्चा, टेंट पंडाल का खर्चा पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे हैं। ऐसे सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पुनः मैं चाहूँगा कि इस सरकार का हाथ मजबूत हो और इस जमीनी और हृदय स्पर्शी योजना चलाई जाए। थैंक यू सर। जो जोड़े खड़े हैं आपके लोग, विनोद कुमार सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़, वो हमारे साथ बैठी हैं, हम विकास अधिकारी से कल्पना मिश्रा। सर इस समारोह में कितने लोगों का शादी विवाह संपन्न किया जा रहा है? इस समारोह में 27 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस समय 25 जोड़े हैं इस वक्त जी। सर इसमें सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है जोड़ों? इस जो एक जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपया लागत वसूल की है, जिसमें 35,000 रुपया RTGS के माध्यम से उनके लड़की के खाते में 10,000 विदाई सामग्री दिया जा रहा है, जिसमें कपड़ा, पैंट शर्ट और ये बर्तन, प्रेस, मोबाइल, बिछिया, पायल आदि सामान है और 6,000 रुपया ये व्यवस्था और खाने के जितने जोड़ों के साथ आगंतुक आ रहे हैं खाने की व्यवस्था टोटल 51। सर आपका नाम? विनोद कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ और खंड विकास अधिकारी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, जिनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन का कार्य संपन्न कराएगा। इस ब्लॉक में दूसरी बार समारोह आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू।